जो हमने कल पढ़ाया था उस पे हम पहले कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे आज करने के लिए, और फिर उसके आगे हम बात करेंगे कि हमें आज क्या करना है। कल हमने अपरिमेय संख्या रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, और हमने आपको कहा था कि रैशनल नंबर क्या होता है जिसको हम पी बाय क्यू में बदलते हैं, और जिनमें अगर आपका रिपीट हो रहा है, बिल्कुल कुछ इशू हैं, सब ओके करिए भाई, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको करने हैं जिसमें पी बाय क्यू आपको बदलना है, और फिर हम आपको पीडीएफ दे देंगे भाई। स्टार्ट करूंगा। देखिएगा, तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने कल के थे, कल जो हमने पी बाय क्यू बदले थे उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें हम लोगों ने 7 या 8 क्वेश्चंस हैं, उनको आपको पी बाय क्यू बदलना है। पहला आपका है 0.7 के ऊपर बार, सेकंड वन आपका है 4.6 पे बार, थर्ड वन आपका है 0.35 पे बार, फोर्थ वन आपका है 1.432 पे बार। अभी मैं किसी के कमेंट या कुछ नहीं देख रहा हूँ भाई जी, अभी हम कुछ नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार सब आ जाइए जब तक मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ जो हमने कल बात की है। कल हमने जो पढ़ाया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, फिर हम कल डिस्कस करेंगे, उनको आप एक बार देख लीजिए, जब तक 2-4-5 मिनट में सारे बच्चे धीरे धीरे आ जाएंगे। हाँ एक बार सर इसको थोड़ा कर दीजिएगा, फिर मैं देख लूंगा। नेक्स्ट आपका देखिएगा, हम फिफ्थ आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.25 के ऊपर कितना बार, 6। बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी हम छोटी छोटी बातें करेंगे। 0.574 पे बार, 7 आपका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 0.5792 पे क्या आपका बार, और बेटा इसमें 8111 हम बात कर लेते हैं, और ये कितना 1.0057 के ऊपर क्या बार। जी सर इसकी साउंड थोड़ा सा कम कर दो, डिस्टर्ब होगा बच्चों को, साउंड हटा दीजिए। ऑल गुड सुनील कुमार, थैंक यू सो मच डियर। हाँ अभी करना नहीं है डियर, सत्यम आपके लिए काम है ये, कल हमने जो पढ़ाया था ना उसके ऊपर आपका काम है, फिर हम इसको आगे लेंगे। कुछ ये हमने 1.0057 के ऊपर क्या लगाया है बार, बिल्कुल। आज हमने क्या है कि लैपटॉप साउंड रख दिया है, तो कमेंट्स देखने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सामने देख सकते हैं। आज हमने आपके साथ हमारे कुछ बच्चों को भी लिंक भेजा है, तो वो भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो आप देखिएगा। कल जो हमने बात कर रहे थे, कल की क्लास हम उसको अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पर भी, उसमें हमने कल थ्योरी पढ़ाई थी सिर्फ नंबर्स के बारे में, और आज हम उस पर बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं को हमें कैसे बदलना है पी बाय क्यू में। कोई भी टर्म्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, छोटी मोटी कोई टर्म अगर आपको परेशान कर रही है, तो आप उसको पूछ सकते हो, डोंट वरी। बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई देखिए आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आप और लिखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था कल, हमने एक एग्जांपल ऐसा लिया भी था कि 0.43 पे बार, अगर इसे हम पी बाई क्यू में लिखें तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वाट, ये हम अभी करवाएंगे, बता भी देते हैं। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन नहीं है। अब इन पे अच्छी बात हम कल करेंगे जब इनको प्लस माइनस गुणा भाग करना हो, बार वाली संख्या को प्लस माइनस गुणा भाग करना है, तो आपका थैंक यू डियर सुनील कुमार, यस सर मैंने 2016 में आपसे कोचिंग की थी, गुड गुड। अभी सभी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, फिर हम बात करेंगे। और एक अच्छा सा क्वेश्चन अभी हम ले लेते हैं, 9-1, ये आपकी सीट मिलेगी इसलिए मैं नंबर लिख रहा हूँ क्वेश्चन का, तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा जी। ये आपका लिखा हुआ है डियर कि 0.333
डॉट 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 इंटू 0.444 डॉट 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 को पुनरावृत दशमलव के रूप में लिखना है, पॉइंट में फिर हम बार लगाएंगे वैसे लिखना है। अभी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी, इस पे फिर हम अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं कल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी लोग आ जाइए भाई जी। अभी कुछ एग्जांपल ले रहे हैं और फिर इन पे हम कल अच्छे एग्जांपल लेंगे जहाँ पे आपको इनको जोड़ना घटाना कैसे है वो सारी बातें हम करेंगे। साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? कल हो सकता है किसी को स्पीड में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे बोल दीजिएगा। ये पटवार बैच नहीं है बेटा, ऐसे ही चल रहा है आपकी क्लास, बाकी ये उसमें काम आएगा बिल्कुल। नंबर सिस्टम ऐसा कोई भी, यस यस, नंबर सिस्टम कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम, आपका पटवार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, पूरी गणित का आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम जी। साउंड क्लियर है? साउंड में कोई दिक्कत नहीं है? यस यस यस, ओके, सभी लोग जुड़ जाओ भाई। ठीक, अभी हम बात करते हैं जैसे, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिखे हैं, इनको आपको करना है, मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कल हमने जो बात पढ़ाई है आपको कि नंबर्स के बारे में, कि भाई परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याओं में हमने कहा था कि उसको पी बाय क्यू लिखते हैं। तो ये जो आपका पुनरावृत हो रहा है, रिपीटेशन आपका जो हो रहा है, ये इसको पी बाय क्यू में कैसे लिखे, इसको हमने कल लिखना बताया था। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली है हम उनको लिंक दे देंगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा बिल्कुल। यस, बहुत छोटे से एग्जांपल है, हम इस पर बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा जिनके पास नहीं है। हमारे बच्चों के पास तो बुकलेट है, पर जिनके पास नहीं हम उनको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। देखिएगा, हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, ये हटा रहा हूं, आप लोग करेंगे, आपका काम है, छोटा सा काम दिया है आपको करने के लिए। देखिए, यहां पे हमने कहा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है एग्जांपल, हमने कहा 0.43 के ऊपर क्या है बार, तो कल हमने समझाया था जितने अंकों पे बार है उतना नीचे क्या लगाएंगे, 9, और जिन पे बार नहीं है क्या लगाएंगे भाई, 0 बिल्कुल। सिमरन, हमने कल ये बात की थी, हम आपको लिंक दे देंगे तो आप उसके ऊपर देख लेना। समझ में नहीं आया था, ठीक है, हम एक बार बता देंगे, इसी को हम बता देते हैं डियर कि क्या कह रहा है। देखिए, इसमें दो अंकों पे बार है तो नीचे क्या लगाएंगे बेटा, हम 2 9 लगाएंगे, जितने अंकों पे बार आएगा उतना हम क्या लगाएंगे भाई, 9 लगाएंगे, और जिन पे बार नहीं आता है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। इसलिए हमने आपको आज एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनको करिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर हम इसको फिर और बताएंगे। अभी बता देते हैं जी, दोबारा बता देंगे, डोंट वरी। कल अगर आपने क्लास ली थी तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा और बता देंगे। इसलिए हमने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल दिए हैं, क्योंकि फिर हम इस पे कल फिर हम इस पे कुछ अच्छे एग्जांपल और लेने वाले हैं, बहुत बढ़िया वहां, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए हम इसको दोबारा आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, बिल्कुल जी। तो दोनों पे बार है ना आपका, तो हमने क्या लगा दिया, डबल लाइन लगा दिया, और ऊपर हम क्या करते हैं, दशमलव को भूल जाओ, तो पूरी संख्या यानी 0 4 3 में से बिना बार का, बार किस पे नहीं है, 0 पे, भूल गए हम लोग, दशमलव आपका हट गया, तो 0 हम घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 43/99 बिल्कुल। क्या 43/99 में कोई कॉमन है? हमने कहा था अंश और हर में। महेंद्र सर नमस्कार, हमने कहा था कि अगर आपका अंश और हर में कुछ कट रहा है तो हम उसको काट देंगे, क्योंकि उसका वो सरलतम रूप लिखने के लिए अंश और हर में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कल हमने बात की थी, पर 43/99 में कोई कॉमन नहीं है, तो यही आपका क्या हो गया, पी बाई क्यू हो गया। हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ने कहा कि पी प्लस क्यू निकालिए
43 प्लस 99 भाई कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा जी। ऊपर कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या? नहीं मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ कट नहीं रहा है। 142 हो जाएगा डियर जी। सिमरन हम इसको दोबारा से कल और बता देंगे, मैंने कुछ एग्जांपल लिए तो हम उसको और आपको बताएंगे बिल्कुल एग्जांपल लेके, और फिर हम उस पर अच्छे एग्जांपल लेने वाले हैं। बढ़िया बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल हम छोटी सी बात कर रहे हैं कि क्या करना है, कि क्यों लगाना है क्यों नहीं लगाना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन एक आपका ये वाला ठीक क्वेश्चन है। इसने क्या कहा भाई, इसने कहा कि हम इसको गुना करें तो आपको फिर दशमलव के रूप में लिखना है जो रिपीट कर रहा है। देखिए इसको लिखेंगे हम 0.3 पे बार और इसको लिखेंगे 0.4 पे बार। अब आप ऐसा नहीं कर सकते बेटा कि हम इसको डायरेक्टली गुणा कर दें, 4 * 3 = 12 और 12 पे लगा दें हम लोग बार, ना ये गलत है। कई बच्चा बोलेगा सर कि हम इसको गुणा कर देते हैं 4 * 3 = 12 तो 0.12 पे लगा दें हम लोगों ने बार, बिल्कुल गलत है भाई। आप पहले इसको भिन्न में बदलिए और फिर हम जी फिर हम उसको बार लगाएंगे। तो इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो बेटा क्या लिखेंगे, 1 * 9 और ऊपर 3, 3 - 0 मतलब 3, और यहां बेटा क्या लिखेंगे 4 / 9, ये 3 कट जाएगा 3 * 4 कितना हो गया भाई आपका 27। पर अभी ये तो भिन्न में लिखा हुआ है और हमें तीन पर ही क्यों लगाया बेटा। अगर हम देखिए आप बोलो सर 0.33 पे बार लगा देता मैं, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, देखिए डियर आपका दो अंक है ना, नीचे क्या लिखोगे 29, ऊपर क्या लिखोगे 33, -0 मतलब 33। बेटा काटोगे ऊपर और नीचे क्या कॉमन है आपका 11, तो कितनी बार कटेगा 3 बार, कितनी बार कटेगा 9 बार, 3 / 9 ही आएगा। अगर समान अंक है तो एक पे बार लगाओ, ऐसा नहीं कि आप दो पे बार लगा रहे हो तीन पे लगा रहे हो, बिल्कुल नहीं। समझ में आया अशोक सैनी, बिल्कुल डियर, क्योंकि आप अगर दो पे लगाओ तो नीचे 2 आएगा, अगर 3 पे लगाओ तो नीचे 3 * 9 आएगा, फिर कट जाएगा वही आएगा बिल्कुल, और फिर वो कट जाएगा बिल्कुल, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है जी बिल्कुल। अब देखिए तो हमने यहां इसको लिखा 3/9 कट कर 1/3 हो गया, 4 * 9 हो गया ठीक है भाई, तो इसको गुणा किया 4 * 27। अब देखिए 4 में 27 का भाग दोगे बिल्कुल पॉइंट लगेगा, 40 होगा, फिर 1 बार जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। पर एक बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही अलो नरेश क्या हाल है, बिल्कुल डियर, एक बात ध्यान रखिएगा बहुत काम आएगा आपका, 1/27 क्या होता है 0.037 पे बार। काम का आंकड़ा है, बहुत बार काम आएगा, हम कैलकुलेशन करने में कई बार क्या लिखा होता है देखिएगा, ये 1/27 = 0.037 पे बार लगाता है, गलत है, तीनों पे बार आएगा बेटा। आप 1 में 27 का भाग दीजिएगा यही आएगा, परसेंटेज भी हमारे काम आता है, बहुत बार काम आएगा। 1/3 का क्यूब कर रहे हैं तो 1/27 होगा, और 1/27 में जब हम भाग देंगे 1 में 27 का तो ये आता है 0.037। तो क्या आप इसको लिख सकते हो, देखिएगा 4 * 1/27, सही बात है भाई, और 1/27 का मान प्लीज याद रखिएगा बहुत काम आता है, आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपको काम आएगा जी। तो अब हम इसकी बात करें तो ये कितना हुआ 4 * 0.037 पे बार, 3 अंकों पे बार है, आप अब इसको गुणा कर सकते हो बिल्कुल। देखो हमने यहां गुणा नहीं किया था सीधे कि 4 * 3 = 12, बिल्कुल नहीं, लेकिन अब ये इससे गुणा हो रहा है तो अब हम गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे 7 * 4 = 28, 8 हासिल का 2, 4 * 3 = 12 और आपका 14 पॉइंट, और 3 अंकों पर क्या लगा देंगे बार, आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल रामोतार प्रजापत, बिल्कुल सही बेटा, 128 पे बाहर आएगा।
गुड, बिल्कुल बिल्कुल गुड। हम आज आराम से ले रहे हैं, कल कुछ बच्चों ने बोला था कि सर थोड़ा सा आराम से लें, हम आज आराम से ले रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। इस पे अभी हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, वो आपको करने, बहुत छोटे और सिंपल एग्जाम्पल हैं। अब हम उस पे अच्छे एग्जाम्पल कर लेंगे कि इनकी बार वाली संख्याओं को जोड़ा घटाया कैसे जाए। ध्यान रखिएगा यहाँ हम गुणा नहीं करते, 4 3 12 के 0.12 पे बार लगा दें बिल्कुल नहीं है, पर हमने यहाँ पे गुणा कर दिया अब, क्योंकि ये 4 आपका नॉर्मल संख्या और बार वाली संख्या से गुणा होगा, और जितने अंकों पे बार है उतना हम लगा देंगे। जी बिल्कुल ठीक। अब आज हम पॉइंट लेते हैं, अगला पॉइंट जो बात करेंगे, देखिएगा 18 भी, इन सबको आप बाद में कॉपी कर लेना। अगला पॉइंट हमारा है क्या, भाज्य और अभाज्य। जिन बच्चों को मीडियम में प्रॉब्लम हो हिंदी या इंग्लिश तो वो प्लीज बता दीजिएगा। अगला अगला पॉइंट है भाज्य और अभाज्य, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और बेटा इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसमें प्राइम नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर अब की बार 2017-18 जो 17 का मेंस में क्वेश्चन आया था, जो हम आपको बताएंगे, जनक अभी देखते हैं बेटा कितनी देर क्लास चलेगी, बस आप पढ़ते रहिए, अब लाइव क्लास है, सामने बच्चे नहीं, आपकी क्लास होती है तब तो हम बहुत मतलब एक अलग प्रकार से लेते हैं, कुछ बोलते भी रहते हैं, यहाँ तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। जी टाइम अभी आज 8 बजे, 8:05 का रखा था, और ये हम आपको जो भी टाइम रखेंगे लिंक भेज दिया करेंगे। पर देखिए ये क्लास एक्चुअली में हमने रॉयड सर के बच्चों के लिए रखी थी, पर आज गलती से हमने आप लोगों को भी लिंक भेज दिया है, तो मैं चाहूंगा कि आपकी वजह से उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखिएगा, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर ये आपका इंपॉर्टेंट है, हम बहुत सारी बातें इसमें करने वाले हैं आज, और फिर हम एक छोटा सा काम भी आपको देंगे। देखिए कंपोजिट नंबर जो हम बोलते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं के बारे में आप क्या बोलते हैं कि भाई वो संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का पूरा पूरा भाग चल जाए, इट सेल्फ, स्वयं मतलब इट सेल्फ, तो भाज्य संख्या कहलाती हैं, और जिनमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो आपकी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होता है कि एक भाज्य होता है अभाज्य, तो देखिएगा एक न तो भाज होता है नहीं अभाज होता है। एक्चुअली में अगर हम अभाज संख्या को डिफाइन करें तो ये कहता है जिस नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों वो आपका प्राइम नंबर होता है, अभाज संख्या होता है, और जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होता है। और एक का बेटा एक ही फैक्टर है, सिर्फ एक, इसलिए एक ना तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य होता है, एक ना तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य होता है। यानी पहला जो आपकी अभाज्य संख्या है वो क्या होती है, 2, और पहला आपका जो भाज्य संख्या है वो कितना होता है, 4। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिएगा कुछ कमेंट भी देख लेता हूं कई बार, आपको रूट संख्या, हाँ रूट संख्या वही होती है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर बिल्कुल, उसका एक अलग फैक्टर होता है, रूट संख्या निकालो किसी में कितनी नंबर ऑफ रूट संख्या है, वो हम बिल्कुल लेंगे बाद में। तो आप देखिएगा एक ना तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य होता है, क्यों, क्योंकि उसका केवल एक ही फैक्टर है, जबकि अभाज्य संख्या के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, 2 खंड होते हैं,
और कंपोजिट जो भाज्य संख्या होती है उसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, यानी दो से ज्यादा खंड होते हैं, फैक्टर यानी खंड होते हैं। बिल्कुल देखिएगा, अगर हम बात करें, अब हम कुछ पॉइंट लिखेंगे जो आपको लिखना है। हमने ये समझा दिया कि भाई आपका क्या बेसिक होता है क्या नहीं होता है, कि जो अब हम कुछ पॉइंट लिखेंगे जो आपके काम आएंगे। आभाष संख्या लिख लो भाई और नोट डालना शुरू करेंगे। आभाष संख्याएं, पहला पॉइंट, एक न तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य। क्या आज स्पीड ठीक है? कल बच्चे बोले सर थोड़ा सा स्पीड ज्यादा थी। सत्यम, बिल्कुल डियर, कंटिन्यू रखेंगे, नॉट वेरी। हमने स्पेशली आप लोगों के लिए ही कंटिन्यू किया है। मुकुल शर्मा, सेकंड पॉइंट, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा बेटा? दो। प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी? दो। थर्ड पॉइंट, की पॉइंट्स हैं याद रखिएगा। हम आपसे फिर कह रहे हैं बिल्कुल बेसिक से लेंगे और जब उस पर खत्म करेंगे क्वेश्चन तो एक स्टैंडर्ड रखेंगे, डोंट वरी। हाँ बेटा बिल्कुल इंग्लिश में बोलेंगे भाई, ये आपका प्राइम नंबर। मैं यही बात आपको बोल रहा था कि जिनको टर्म्स में प्रॉब्लम हो प्लीज बोल दिया करो। बिल्कुल बेटा, प्रथम अभाज्य संख्या, फर्स्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू टू, प्रथम भाज्य संख्या फोर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? फोर होता है जी। देखिए फोर्थ वन, अगर हम बात करें आभाज्य संख्या दो से शुरू हुई तो जैसे दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेईस। देखिए आप, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, हमें इस पर दो तीन क्वेश्चन पूछे गए और एक क्वेश्चन अभी और पूछा गया जो हम औसत में बताएंगे, अभी भी आया है और वो भी इस पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है क्या, पांचवा पॉइंट, कि प्रथम नौ अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट नाइन प्राइम नंबर। तो भाई अगर आप इन सबको जोड़ते हो बेटा, जैसे कि दो प्लस तीन ये नौ होगी ना आपकी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, क्या नौ अभाज्य संख्या है कि नहीं है भाई आपकी? बिल्कुल। इन नौ को अगर आप योग करते हो, दो प्लस तीन पांच प्लस सात प्लस ग्यारह प्लस तेरह प्लस सत्रह प्लस उन्नीस प्लस 23, तो बेटा आप देखोगे योग आएगा कितना भाई? सौ। बिल्कुल जनक, सौ ना बेटा, 90 नहीं आएगा, सौ आएगा। राहुल बेटा सौ आएगा। सत्यम बिल्कुल सही है। भाई बहुत फर्क होता है सम विषम भाज्य और अभाज्य में, बहुत फर्क होता है, ये बात हम कल कर चुके हैं। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि सम संख्या और विषम संख्या नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन कभी भी अभाज्य संख्या नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हमने कहा है कि पहला ही आपका प्राइम नंबर क्या होता है? टू होता है। सुरेंद्र लामा बिल्कुल डियर, सौ होता है। अब देखो इस पे आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हम यहां बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा गया और उस पर और क्या क्वेश्चन पूछेगा वो बात करें। अब की बार मेंस में 2017 मेंस में क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और ये बात हम, आप चाहो तो मेरे नोट्स उठा कर देख सकते हो 2 साल पहले के, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा बात लेके चलते हैं कि अगर ऐसी बात पूछ लियो तो आगे पूछा जा सकता है। बिल्कुल डियर, बैंकिंग सबके लिए होगा, डोंट वरी। हम स्पीड के लिए भी काम करेंगे कि भाई कैलकुलेशन आप कैसे स्पीड कर सकते हो।
स्पुष्ट मतलब बूस्टर आप एक तरीके से कह सकते हो, बिल्कुल काम करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम बात कर सकते हैं, छठा, प्रथम नौ अभाज्य संख्याओं का औसत। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने क्या कहा, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग कितना आ गया आपका 100 और संख्या कितनी है 9, यानी 11 से 1 बटा कितना 9 जी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो उनका योग हम निकाल लें भाई, यहां पे 100 आया और संख्या बेटा कितनी है 9, तो 100/9 यानी 11 से 1 बटा कितना 9 हो गया। तो इसी पे हम एक छोटा सा काम और करते हैं। देखिए मैं सब ये उठाऊंगा, फिर आप लोग देख लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को अगर प्रॉब्लम हो किसमें, लैंग्वेज में, मतलब हिंदी इंग्लिश, तो आप मुझे बोल देना भाई। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बताएंगे अभी कि बड़ी संख्या में कैसे निकालते हैं। अभी तो उन्होंने बताया नहीं कि भाज्य अभाज्य, वो तो हम बताएंगे आपको। अभी तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि संख्याएं शुरू कर रहे हैं, फिर हम कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि संख्या आपका प्राइम या कंपोजिट, बिल्कुल बताने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बताएंगे आगे। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि भाई प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, हमने निकाल लिया। ऐसे ही मुझे आज का काम क्या है, पॉइंट नंबर 7, अगर बात करूं 1 से लेकर 25 तक, तो हमने अभी बात की अभाज्य संख्याएं आपकी कितनी है 9, इनका योग कितना आया आपका 100, और अगर औसत की बात करें तो औसत कितना आ गया 100/9 यानी 11 से 1/9। सर एक मिनट, शर्मा जी लैपटॉप आपका बंद हो गया, मैं कैसे मालूम पड़ेगा कि बच्चे को मैं क्या देखूं, आप प्लीज इसको थोड़ा प्लग इन करिए, एक मिनट थोड़ा सा, मैं प्लीज लैपटॉप थोड़ा बंद हो गया है, तो मैं एक बार हाँ मुझे दिख रहा है, गुड, मैं थोड़ा देख लूँ। ओके, वो हमारा लैपटॉप थोड़ा बंद हो गया, तो अगर मुझे आपके कुछ कमेंट देखने हो तो, हाँ ना ना लैपटॉप बंद हो गया तो वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका काम क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1 से लेकर 50 तक, ये जो संख्या आपकी आई थी सब 1 से 25 के बीच में, तो 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, बिल्कुल 15। आपका काम है इनका योग, और अगर 15 का भाग दूंगा तो क्या आएगा बेटा आपका औसत, मतलब जो आपका काम है। बिल्कुल, 1 से लेकर अगर 75 बात करूं तो अभाज्य संख्या कितनी होती है 21। आपका काम है इनका योग और इनका औसत। आगे अगर हम बात करें 1 से लेकर आपका 100 तक, तो ये अभाज्य संख्या होती है 25। बिल्कुल, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में पूछा गया था 1 या 2 साल पहले। एसएससी में वैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, बिल्कुल आप चिंता ना करें। आपका काम है इनका योग और इनका औसत। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 60 से और 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो हमें पता होना चाहिए भाई कि इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। तो मैं तो चाहूंगा कि आप 1 से लेकर 100 तक की जो टोटल 25 अभाज्य संख्या आती है बेटा, इनको कम से कम आप ध्यान रखिए कि भाई 25 अभाज्य संख्या आती है और वो कौन कौन सी आती हैं, एक बार आप लिखोगे आपको याद हो जाएगा। हाँ एक बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये आपके काम है कि योग और औसत। औसत तो कुछ नहीं है, इसमें 15 का भाग देंगे, यहां 21 का भाग देंगे, और यहां कितना देंगे 25 का। तो देखिए 100 तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको मालूम पड़ जाएगा भाई कि 100 तक कितनी आपकी होती हैं,
और अभी एक बच्चे ने कहा कि सर इससे ज्यादा अगर बड़ी संख्या हो तो कैसे करते हैं, तो अभी हम दो बातें बताएंगे कि हम अभाज्य संख्याओं को फाइंड आउट कैसे करते हैं कि ये संख्या भाज्य अभाज्य है, एग्जाम्पल लेके बताएंगे, फिर हम आपको कुछ एग्जाम्पल भी देंगे जो आपको करने हैं कि भाई इनमें से कौन सी संख्या आपकी भाज्य और अभाज्य है, और फिर हम आपको पीडीएफ दे देंगे। बिल्कुल हाँ राजेंद्र, बिल्कुल मुझे पता है बेटा 1060 होता है, लेकिन ये काम है, ये आपको काम है वो नए बच्चों को, क्योंकि मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया तो आपको पता है। आप प्लीज ध्यान रखिए, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनको मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, उनको पता है, तो घबराए नहीं। जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है, पर ये जरूरी चीज है, आपका काम आएगा। इससे आगे अगर हम बात करें, देखिए 100 तक तो हम संख्याएं भी निकाल लेते हैं, हमें पता भी होता है, और हमें एक्चुअली भी पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि भाई इसके बीच में संख्याएं बताओ, इसके बीच में संख्याएं बताओ, सही है? बिल्कुल। आप देखिए, अगर हम बात करें एक फिर आपका पॉइंट, जो भी आपने पॉइंट लिखा 6-7 या जो भी आपका मान लो 7 लिख लेते हैं, तो दो बातें ध्यान रखेंगे, 3 अंकी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बेटा होता है क्या 101। और अब की बार जो क्वेश्चन पूछा गया, जो मैं बोल रहा हूं मेंस में, वो क्या था बताते हैं अभी। 8वां पॉइंट, 3 अंकी है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, क्या होता बेटा 997। 3 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 997। अब अगर हमें यह देखना हो कि भाई 997 कैसे है, ये सब बातें हम करने वाले हैं, डोंट वरी। बिल्कुल साउंड आपको ठीक आ रहा है, कुछ जल्दीबाजी हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल 997 है विक्रम, बिल्कुल जनक, बिल्कुल देखिए 997 है। अब की बार क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब की बार क्वेश्चन पूछा गया एक सीजीएल में कि 3 अंकी है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 13 से विभक्त करने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। अब जिन बच्चों को पता है कि भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 1 सेकंड निकाल देंगे, बड़ी बात है ही नहीं भाई। तो कई बार हमें कुछ छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें मालूम है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 99 कितना आपका 7 बेटा, किसका भाग देना है 13 का, 13 7 91 आपका सही, कितना बच गया 8, 13 7 78 कितना बच जाएगा आपका 9, शेष कितना आ जाएगा आपका भाई 9, आएगा नहीं आएगा, भाग दीजिए तो। बिल्कुल बिल्कुल कल्याण साहब, बिल्कुल 9 आएगा, अशोक सैनी 9 आएगा, गुड डियर, बिल्कुल 9, बिल्कुल बिल्कुल 9 आएगा भाई। आप देखिए जरूरी बात क्या है जो हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि भाई यहां पे कि कौन सी संख्या भाज्य अभाज्य है। उससे पहले हम एक बात और आपको समझाना चाहते हैं, एक बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब आप प्लीज कॉपी कर लेना बाद में। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, प्लीज याद रखिएगा। एवरी प्राइम नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 6k ±1। प्रत्येक अभाज्य संख्या 6k ±1 की रूप की होती है, 6k ±1 के रूप की होती है।
प्रत्येक अबाध्य संख्या बेटा 6k ± 1 के रूप की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यह कहा है कि प्रत्येक अबाध्य संख्या का रूप 6k ± 1 होता है, पर आप प्लीज ध्यान रखिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर संख्या जो 6k ± 1 के रूप की हो वो अबाध्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मेरी बात को समझ गए? अगर अबाध्य संख्या, अगर आपकी कोई अबाध्य संख्या है तो डेफिनेटली 6k ± 1 के रूप की होगी, लेकिन 6k ± 1 के रूप की हर संख्या अबाध्य हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूं डियर, एवरी प्राइम नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 6k ± 1। एवरी प्राइम नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 6k ± 1, बट एवरी नंबर इन फॉर्म ऑफ 6k ± 1 इज नॉट इक्वल टू प्राइम नंबर। देखिए, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा k बराबर हमने क्या लिखा 1, तो हम यहां क्या लिखेंगे भाई 6 × 1 ± 1 यानी 6 ± 1, आपने क्या लिखा भाई जोड़ा तो 7 और घटाया तो कितना 5। जी, आपका 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, जरूरी बात है। आपने जैसे k बराबर आपने लिया 2, k बराबर 0 मत लीजिएगा प्लीज, क्योंकि 0 लेने पर आपका क्या आ जाएगा 1, k का मान 1 से बड़ा, 1 और 1 से बड़ा होना चाहिए प्लीज। जैसे आपने k बराबर 2 लिया, भाई यहां लिखूंगा बेटा 6 × कितना 2, 12 और 1, 12 में प्लस माइनस 1 करूंगा तो आएगा 13 और क्या आएगा 11, दोनों ही 13 और 11 क्या है प्राइम नंबर है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो मैंने आपका k बराबर कितना लिया, आपका मान लो 4, तो 4 में यहां लिखूंगा तो 6 × 4 = 24 और 1, तो ये देखो क्या हो गया 24 ± 1, अब 25 और 1 कितना है आपका 23, 25 नहीं है लेकिन 23 है 24 - 1। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक अबाध्य संख्या का रूप 6k ± 1 होगा, लेकिन प्रत्येक संख्या जो 6k ± 1 में है वो अबाध्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्लीज, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे बन सकता है, अभी लिखवा देंगे हम आपको। जी, मैं यही समझा रहा हूं बेटा आपको कि अगर आपने k बराबर 5 ले लिया तो 6 × 5 = 30 और 31 आपका 31 हुआ और घटाऊं 29 दोनों हुआ, लेकिन आप k बराबर 6 लो तो 6 × 6 = 36 प्लस 1 37 होता है, पर -1 = 35 नहीं होगा। लेकिन एवरी प्राइम नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 6k ± 1, मैं ये कह रहा हूं संदीप बेटा, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी आपकी अबाध्य संख्या प्राइम नंबर है उसका रूप 6k ± 1 के रूप में होगा, जहां k का मान 1 या 1 से बड़ा हो, 0 नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे हम इसको 0 करेंगे बेटा तो 0 करने पर ये 0 हो गया, 0 + 1 = 1 या -1, ना 1 और -1, हमने कहा 1 ना तो भाज्य होता है नहीं अबाध्य होता है। क्यों नहीं होता है भाई, इसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि 1 का केवल और केवल 1 ही फैक्टर होता है, जबकि अबाध्य संख्या का एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है और कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर होता है। तो हमने यही बात कही है डियर कि आप k बराबर क्या लोगे, 1 या 1 से बड़ा। पर दूसरी बात हम क्या समझाना चाहते हैं, जैसे आपने k बराबर बेटा क्या लिया 4, तो 6 × 24 + अब देखिए यहां हमने क्या लिखा 24 ± 1, और जैसे आपने क्या लिया 6, तो 6 आपका 36 ± 1, अब यहां पे दो संख्या आएंगी 24 और 1 क्या हो गया आपका 25 और 24 - 1 क्या हो गया 23। अब ये अबाध्य पर ये अबाध्य नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो सही, और ये बात हम करें तो ये 37, ये और 1 घटाएं तो 35, ये नहीं है पर ये अबाध्य है।
तो हमारा कहने का मतलब है अगर अभाज्य संख्या है तो डेफिनेटली वो 6k प्लस माइनस 1 के रूप में होगी। 6k प्लस माइनस 1 कहने का मतलब है कि 6 का भाग मैं दूं तो उसमें या तो शेष बचेगा 1 या शेष बचेगा 5। माइनस 1 का रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, यानी एक कदम पीछे, यानी आपका 5। माइनस 1 शेष होने का मतलब 5। बिल्कुल बेटा नहीं है, 2 और 3 नहीं है, यहां हम 5 से बात करेंगे। बिल्कुल जब 1 रखेंगे ना तो आपका यहां पे 1 रखने पर आपका क्या आएगा? 5 और 7, 2 और 3 नहीं आएगा। उससे बड़ी वाली संख्या के बारे में बात करें प्लीज जनक। बेटा 2 और 3 के लिए नहीं आएगा, 5 और उससे बड़ी वाली संख्या आएगी। के का मान आपको जनक कितना लेना है बेटा? 1 या 1 से बड़ा लेना है। पर इसी से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या भाज्य अभाज्य है। अब संख्या भाज्य अभाज्य उसको डिफाइन करने के लिए क्या तरीका होता है उसको हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अभी, कि क्या आपका स्टैंडर्ड तरीका होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें बड़ी संख्या नहीं होती है कि बहुत बड़ी संख्या आपको देगी, इसमें मतलब 3 अंकों के लगभग इतनी संख्या होती है, इससे बड़ी संख्या और नहीं आती आपके एग्जाम में, एसएससी में इससे बड़ी और संख्या नहीं आती है जी। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल लेने का मतलब हम समझाते हैं आपको कि मैंने कोई 2 एग्जाम्पल ले लिए और हमने एक एग्जाम्पल लिखा 267 भाज्य अभाज्य और दूसरा हमने एग्जाम्पल लिखा 167 भाज्य अभाज्य। सही है? तो एक्चुअली में क्या कहता है तरीका? तरीका कहता है कि इससे ठीक बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, इससे ठीक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर। 280 क्या है भाई? 9 है बेटा। और इसका रूट हम निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे कितना आएगा? 17। 17 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का आप इसमें बारी बारी से भाग देंगे। अगर किसी भी संख्या का भाग चला गया तो नंबर आपका भाज्य होगा कंपोजिट, और अगर भाग नहीं गया तो नंबर आपका क्या होगा? प्राइम, अभाज्य होगा। तो जैसे 17 से छोटी अभाज्य संख्या हम लिखते हैं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 का भाग तो नहीं जाएगा हमें मालूम है, 289 में जाएगा। अगर किसी भी संख्या का भाग चला गया तो नंबर आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट, भाज्य हो जाएगा। अब ये भाग के नियम हम आपको कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में मतलब जी। तो देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग हम दें तो 2 और 6 आपका 8 और 7 कितना? 15। बेटा 15 में बिल्कुल 3 का भाग जाता है। अगर 3 का भाग गया तो संख्या भाई क्या हो गई? भाज्य हो गई, यानी कंपोजिट नंबर हो गया ये। तो एक्चुअली में नियम क्या कहता है? नियम बेटा कहता है आपका कि जो संख्या आपको दे रखा है, नंबर जो दे रखा है, उससे ठीक बड़ा एक आपका परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए और उसका रूट निकाल लीजिए। तो इससे ठीक बड़ा क्या है? 289 है भाई, और उसका रूट कितना है आपका? 17। इससे छोटी बारी बारी अभाज्य संख्याओं का भाग दो, अगर किसी का भी भाग चला गया तो नंबर क्या होगा? अभाज्य, अन्यथा आपका, अगर किसी का भाग चला गया तो भाज्य, अन्यथा क्या होगा? अभाज्य होगा। बिल्कुल। अब जैसे बेटा इसकी बात करता हूं तो इससे ठीक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है? 169। और 169 का रूट क्या होगा भाई? 169 का रूट क्या होगा? 13। 13 से छोटी अभाज्य संख्या आप लिखिए, 2 है, 3 है, आपका 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। 2 का भाग नहीं जाएगा, भाग का नियम क्या होता है हम कल बात करेंगे भाई। 3 का भाग नहीं जाएगा, देखो 1 और 6 7 और 7 14 नहीं गया। 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1 का अंक या तो 0 हो या 5 हो। 7 का भी हम भाग दे लेते हैं, फिर कल हम 7 का अंकों पे विशेष नियम बताएंगे। तो 7 का भाग दिया, 7 दुनी का 14, 2 बचेगा, 27 में भाग नहीं जाता है। 11 का भाग नहीं जाएगा, 11 का नियम कहता है 1 अंक छोड़कर 1 अंक, जो हम कल बताएंगे आपको। तो यहाँ देखे तो 8 है और यहाँ कितना है? 6। 11 का भाग नहीं गया। प्लीज़ भाग के नियम के बारे में हम बात करने वाले हैं कल। और 13 की बात करूँ बेटा तो 13 एकम 13 और ये आपका 337 में भाग नहीं जाएगा। अगर किसी में भी भाग नहीं गया तो नंबर क्या हो गया आपका? अभाज्य हो गया, यानी प्राइम नंबर हो गया। बहुत बेसिक तरीके से आ रहा हमारा, हम समझ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
स्पीड हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाना है कुछ भी करना है कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या प्राइम नंबर होगा। इस पे हम कुछ एग्जांपल आपको देंगे और आपको चेक करना है कि इनमें कितने प्राइम है नहीं है, ये आपका काम है। और कोई बात दिनेश सैनी, ये बात दोबारा जी मैं कह रहा हूं बेटा कि आपका ये 167 अगर आपको चेक करना है इससे ठीक पड़ी संख्या बेटा क्या है आपका, मतलब जो परफेक्ट नंबर हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो 169, उसका वर्गमूल कितना आएगा, स्क्वायर रूट कितना आएगा 13, 13 से छोटी अबाध संख्या आप लिखिए डियर। तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13 इसमें 2 का भाग दोगे नहीं जाएगा, 3 का दोगे नहीं जाएगा, 5, 7, 11, 13 किसी का भाग दो नहीं जाएगा। वो भाग का नियम क्या होता है वो मैं कल बात करूंगा, पर आप सिंपली इसमें भाग दे के देखो किसी का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 167 बेटा क्या हो गया आपका प्राइम नंबर हो गया। अगर किसी का भाग नहीं जाए तो प्राइम नंबर हो गया, अबाध संख्या हो गई, और अगर किसी का भाग चला जाए तो नंबर कैसे होगा बेटा कंपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल सही जी। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा जो आपको करना है, आज का काम देंगे हम, थोड़ा एग्जांपल कुछ देंगे वो आपको करने हैं और फिर हम फिर कल उस पर डिस्कस करेंगे, और कोई भी अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो फिर हम बात करेंगे। हाँ डियर बिल्कुल मैं कह रहा हूं 2 और 3 को छोड़ देंगे भाई, 5 से बड़ी संख्या निकालेंगे हम उसके अनुसार। सिमन बिल्कुल बेटा के हम 0 नहीं ले सकते बेटा, 0 लेंगे तो 1 आएगा, 1 ना भाज होता ना अभाज, हम के लेंगे बेटा 1, और 1 लेंगे तो आपकी संख्याएं आएंगी 5 और कितना 7, तो 2 और 3 के अलावा बात करेंगे भाई हम। कुछ हम एग्जांपल लिख रहे हैं और हम आपको, मैं सर को बोल दूंगा वो एक पीडीएफ डाउनलोड, मतलब आप इस पे डाउनलोड कर देंगे, आप लोग उसको अपलोड कर देंगे फिर आप डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल भाई बिल्कुल, 3 भी अभाज्य कविता, बिल्कुल बेटा 3 अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, हाँ बिल्कुल 3 अभाज्य। पर वो जो हमने कहा ना 6k ±1, वो ये कहता है कि k बराबर 1 लूंगा तो 1 लेने पर अभाज्य संख्या 5 और 7 से शुरू होगा, उसमें आपका 2 और 3 नहीं आएगा बेटा, और बाकी कितनी बड़ी संख्या ले लो वो सब आएंगी। कल का जो टाइम होगा हम आपको लिंक में भेज देंगे, डोंट वरी, हम शाम को लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे कब कौन सा टाइम होगा। और ये अजीत सर का चैनल है, प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे जितने बच्चे देख रहे हैं। नहीं बेटा कविता, बेटा 2 को और 3 को नहीं लिखा जाएगा उस फॉर्म में जी, हम वो लिखना शुरू करेंगे 5 से। बिल्कुल कुछ छोटे से क्वेश्चन दे रहे हैं और फिर हम उन पे बढ़िया क्वेश्चन बाद में करेंगे, एक मिनट। बेटा मेरे पास आज वो नहीं है, मैं पीडीएफ आपको अभी क्वेश्चन दे देता हूं और फिर हम बात करेंगे। देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इसमें कहा है कितनी अभाज्य हैं, कितनी अभाज्य हैं, और आपको दे दिया 737, 257, 257, 437, 347। हाउ मच, कितनी, इनमें से कितनी संख्याएं आपकी अभाज्य हैं, आपको काम करना है भाई इसके ऊपर जी। डियर मैं कमेंट किसी का नहीं देख पा रहा हूं, मैंने फोन ले लिया है, मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूं फिर उसके बाद देखेंगे। आगे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 5, मैं सर को बोल दूंगा पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे या टेलीग्राम में भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। 60 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। 7 3 संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं, 3 संख्याएं जो परस्पर
अभाज्य हैं, इस प्रकार की प्रथम दो का गुणनफल पांच सौ इक्यावन है और अंतिम दो का गुणनफल मल्टीपल जी बेटा 1000 ये है, तो तीनों संख्याओं का योग बताइए, ये आपको करना है। ये तो हमने आपको काम भी दिया है कि आपको 1 से 100 तक की सारी अभाज्य संख्याओं के बारे में निकालना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, आपको ये करना है जी। और जो भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे वो हम बात करेंगे कल, एक मिनट में देख लेता हूं प्लीज। हाँ अभी कोई बिल्कुल गोलू बिल्कुल थैंक यू डियर सेम टू यू। आपको सभी को देखना है बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आज हम इतना ही लेते हैं और फिर कल हम एक नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।